समझेंगे एक एनालॉजी के साथ कि यदि आपके सामने तीन कारें हैं, तीन कारें, वो कारें जब चलती है रास्ते से तो उनके जो पहिए हैं, कार के जो पहिए होते हैं ना, उसमें कोई लिखा हुआ है, कुछ शब्द लिखे हुए, अब वो जिस रास्ते से गुजर जाएंगी वे शब्द लिखे मिलेंगे आपको। देखे हैं ना आपने टायरों के निशान, तो उसमें अगर हमने ऐसे शब्द डाल दिए तो वो शब्द पढ़ने में आएंगे ना। कार कंपनीज वालों को सोचना चाहिए कि हमारी कार जहाँ से गुजरती है वहाँ क्या लिखा रहता है। वेलकम लिखा होता है, क्या लिखा होता है, फॉलो मी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, तो ये कार कैसी है, किस पर शब्द क्या लिखा हुआ है। पहली कार क्या करती है, आपके सामने तीन कारें हैं, पहली कार गुजर गई तो लिखा हुआ क्या मिलता है, उल्टे शब्द लिखे जाएंगे, सीधे छप जाएंगे, ये तो साइंस जानते हैं आप, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए ए के ए ए आर, क्या हो गया, आकार, आकार, आकार लिखा हुआ है। दूसरी कार से गुजर गए तो ए एच ए कार, आहाकार, आहाकार लिखा है। तीसरी से गुजर गए तो वहाँ लिखा हुआ निराकार, निराकार। तो अब आपको कहा जाए कि कौन सी कार चुनोगे, बॉल इज इन योर कोर्ट। तो सोचो, तो अभी समझें क्या इशारा किया जा रहा था। गलत सही न मानते हुए ये देखो कि ईश्वर निराकार अवस्था में सदियों सदियों था, थियोरेटिकल अवस्था। एक प्रैक्टिकल अवस्था होती है, एक थियोरेटिकल अवस्था होती है। सदियों सदियों तक वो निराकार में था, फिर वो आकार में आया, और फिर आकार में स्वयं को भूल गया, फिर उसके अंदर यूरेका हुआ, आहा, आहाकार का निर्माण हुआ। आहाकार और निराकार, इन दो में चुनाव करना था तो समझ उसके पीछे क्या रखनी है कि निराकार का लोग चुनाव करके आहाकार को मिस करते हैं और आकार को चुनकर निराकार को मिस करते हैं। आकार को चुनकर निराकार क्या है उसके परे चले जाते हैं, उसको पा नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं। तो दोनों में आपको समझ में आया कि आकार में आकर निराकार भूल न जाएं, उसको खारिज न करें, और निराकार की बात करके आहाकार को खारिज न करें। आहाकार यानी जहाँ पर आप MSY के रहते हुए ही निराकार का अनुभव कर पाएं। निराकार में नहीं रहना है, वो तो बहुत बड़ा अनुभव है। निराकार में रहने का बहुत बड़ा, लाखों करोड़ों सालों का है। ये जो शरीर पैदा करने के पीछे पर्पस था, मनुष्य देह विशेषकर, जिसमें अपने होने का एहसास, मगर उस अवस्था के बारे में जानकारी नहीं है।
तो जो चुनाव होता है इंसान का वो सही नहीं जाता है। अब वो पूरा समझ रहा है ये पूरी लीला के पीछे कारण क्या था, आकार क्यों लाया गया, इसी में ही आहा की फीलिंग आए।